हेलो एवरीवन, मनीषा, वेलकम टू एमएम टैक्स क्लब। अभी जो न्यू प्रोविज़न आया है सेक्शन 43 बी सब सेक्शन एच ऑफ इनकम टैक्स, जिसके थ्रू जो एमएसएमई है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, उसको टाइमली बेसिस पे पेमेंट करना है वो टाइम पीरियड जो प्रिस्क्राइब्ड है एमएसएमई एक्ट के अंदर, जो कि है 15 डेज या फिर विथ एग्रीमेंट अप टू 45 डेज। ये फुल वीडियो 43 बी सब सेक्शन एच का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। हमारा डिटेल वीडियो है इसके ऊपर, जहाँ पर हमने प्रोविज़न एक्सप्लेन किया है, साथ में जो टॉप FAQs है वो भी डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो बेनिफिट है सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच का एमएसएमई के लिए, वो क्या तब भी एप्लीकेबल होगा माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को अगर उन्होंने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। दैट मीन्स कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर कोई इंटरप्राइज ने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है बट उनका जो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर का लिमिट है वो फॉल करता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के डेफिनेशन के अंदर, तो क्या ये उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आए हैं। फिनांस एक्ट 2023 के अंदर ये सबसेक्शन इंसर्ट किया गया था सबसेक्शन एच टू द 43 बी, बट उसके बाद कोई भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट व्यू है इसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक्चुअल में वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है तो उनको एप्लीकेबल होगा यह सेक्शन। देन अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो प्रोविज़न के बेसिस पे उनको एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इन माय ओपिनियन जो एप्लीकेबिलिटी है सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच का, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी होएगा। बिकॉज अगर हम प्रोविज़न पढ़ते हैं सेक्शन 43 बी सबसेक्शन एच के अंदर क्या प्रोविज़न है, एनी एसेसिस पेड टू द माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006। एंड जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई 2016 के अंडर प्रोविज़न है, वहाँ पे ये बोलते हैं कि एनी सप्लायर सप्लाई गुड्स और रेंडर सर्विसेज, और जो सप्लायर है वो एमएसएमई एक्ट के अंदर डिफाइन है। और सप्लायर का डेफिनेशन है एमएसएमई एक्ट के अंदर कि सप्लायर मींस माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस विच हैव फाइल्ड द मेमोरेंडम बिफोर अथॉरिटी। मेमोरेंडम मींस जो एप्लीकेशन होता है आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपने फाइल किया है तभी वो सप्लायर कंसीडर करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है एप्लीकेबिलिटी की, जो प्रोविज़न के अंदर ही बोल रहा है 43 बी एच के अंदर, उन्होंने बोला कि जो प्रोविज़न है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है एज पर 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, और जो एमएसएमई एक्ट के सेक्शन 15 के अंदर प्रोविज़न है सप्लायर का डेफिनेशन में बोलता है, सप्लायर के डेफिनेशन में बोल रहा है कि सप्लायर वही होएगा जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज है और उसने मेमोरेंडम फाइल किया है अथॉरिटी के पास, दैट मीन्स कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। तो इट मीन्स कि ये क्लियर होता है कि अगर कोई इंटरप्राइज है, कोई बिजनेस पर्सन है, उनका जो टर्नओवर है एंड जो इन्वेस्टमेंट है वो भले ही अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो वो केस में उनको ये जो सेक्शन है 43 बी सबसेक्शन एच वो उनको एप्लीकेबल नहीं होएगी। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।